नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Vivo Y28 5G वर्सेस Poco C61 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Y28 5G में 6.45 इंच जबकि C61 में 6.63 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Y28 5G में 2.97 इंच जबकि C61 में 3 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो Y28 5G में 0.32 इंच जबकि C61 में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Y28 5G से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Y28 5G में 186 ग्राम जबकि C61 में 199 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि Y28 5G से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही इट्स LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y28 5G में 6.56 इंचेस जबकि C61 में 6.71 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Y28 5G में 720x1612px HD जोड़ और C61 में 720x1650px HD जोड़ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Y28 5G में 84.12% जबकि C61 में 83.34% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Y28 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच जबकि C61 में 268 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Y28 5G में 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और C61 की बात करें तो इसमें भी हमें 2 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Y28 5G में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और C61 की बात करें तो उसमें 12 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Y28 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और C61 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Y28 5G में Mali-G57MC2 जबकि C61 में PowerVR-GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Y28 5G में MediaTek Dimensity 6020 और C61 में MediaTek Helio G36 मिलता है। बात करें RAM की तो Y28 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB, 8GB की RAM मिलती है, जबकि C61 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB, 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Y28 5G में 3 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB, 128GB, 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि C61 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB, 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Y28 5G में Android V13 जबकि C61 में Android V14 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो Y28 5G में दो कलर्स जबकि C61 में तीन कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Y28 5G में तीन वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 13,999 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 15,499 रुपीस, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 16,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें C61 की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 6,499 रुपीस, 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Vivo Y28 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Poco C61 की तो उसमें 8 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में Y28 5G आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Y28 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Moto G84 है, दूसरा Vivo Y18 है, तीसरा Moto G14 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy F34 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।